क्लास 10th का जो भी सीबीएसई का जो भी सिलेबस वगैरह था वो बना देते हैं वीडियो। 12th का तो मैंने बना दिया है, तो मैंने 10th का थोड़ा लेट हो रहा है बट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो 30% सिलेबस जो पहले डिलीट हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है आपके में, वो अभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, आपके जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं कितने हैं, 15 हैं, लेकिन वो यूनिट्स में डिवाइड है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पहले बता दूं, सबसे पहली जो यूनिट है हमारी उसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है, ये यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सब बताएंगे कितने नंबर के क्या आएंगे। दूसरा जो हमारा बोला जाता है यूनिट वो बोले थे एलजेब्रा, क्या बोली जाती है। तीसरी यूनिट जो हमारी बोली जाती है वो ज्योमेट्री, और फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझाएंगे एक एक करके, थोड़ा आपको डिवाइड करना सिखा दें किस तरीके से, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो मैनेज कर लियो यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, और वही हमारी ट्रिगोनोमेट्री, और एक हमारे में होती मेंसुरेशन, और हमारी होती ये यूनिट्स हैं, ठीक है। ये यूनिट्स है 1 2 3, आगे पीछे भी हो सकती हैं, मुझे ऐसा याद नहीं, बट जो कंसेप्ट का काम है उसे समझते हैं। फिर एक हमारी होती है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो इस इतनी हमारी यूनिट्स होती हैं। अब देखते हैं इनकम है क्या इसमें यार। तो नंबर सिस्टम में जो हमारा आता है वो चैप्टर फर्स्ट आता है, केवल चैप्टर फर्स्ट आता है, ठीक है। एलजेब्रा में जो हमारा आता है पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, ये चैप्टर के नाम है इधर, ठीक है। और ये एपी क्या चमका। ज्योमेट्री में जो हमारा आता है चैप्टर 6 आता है हमारा, और हमारा सर्कल आता है, और हमारा 11 कंस्ट्रक्शन, ये हमारे ज्योमेट्री में आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा चैप्टर 7 आता है, इसका नाम ही है। ट्रिगोनोमेट्री में हमारा ट्रिगोनोमेट्री और उसकी एप्लीकेशन 8 और 9 चैप्टर, ये इस यूनिट के अंदर आते हैं। मेंसुरेशन में हमारा एरिया रिलेटेड टू द सर्कल एंड 13 चैप्टर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्लियर है। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी विच चैप्टर 14 एंड 15। काउंट कर लें क्या हमारे टोटल 15 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरे ये यूनिट्स हैं हमारी। लेकिन एनसीईआरटी में ये चैप्टर्स में दिए गए हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपने नंबर सिस्टम यूनिट कर ली मतलब चैप्टर 1 आपने कर लिया, आपने एलजेब्रा कर ली मतलब आपने ये 4 चैप्टर कर लिए, ये इस तरीके से यूनिट्स हैं, और ये उस यूनिट्स में इतने टॉपिक्स आते हैं, क्लियर है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक एक करके आपको ये बता दूंगा, ये पता भी है लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता हो। तो डिलीटेड पोर्शन क्या है मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ, ठीक है सर। चैप्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर फर्स्ट की, तो चैप्टर फर्स्ट में सब कुछ आ रहा है, केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आ रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो कहने का मतलब है एक्सरसाइज, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हो गई है, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। चैप्टर 1 बाकी सब कुछ आ रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए अब मैं चैप्टर 2 की बात करता हूँ, देखना ये वीडियो में दिख रहा है भाई, दिख रहा ना, ठीक। चैप्टर 2 की बात करता हूँ, तो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल है, इसमें हमारा जो सम ऑफ द जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ रहा है, और आगे का मतलब एक्सरसाइज 2.3 आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, 2.3 नहीं आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे। चैप्टर 3 की बात करता हूँ, कायदे में देखा जाए तो चैप्टर 3 पूरा आएगा, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा। जिन बच्चों ने मान लो अभी 10th में चैप्टर 3 या 2 नहीं पढ़े तो केवल इनको लिख लें, ये डिलीटेड बता रहा हूँ मैं, ऐसा मत करना कि इन्हीं को पढ़ के चले जाना भाई साहब, समझ लो ना कि इन्हीं को पढ़ के चले जाओ, बोला यू आर नॉट अ भोला, इतने भोले होते कि इन्हीं को, ये क्रॉस का भी नहीं, ये डिलीटेड है। अब आ जाओ चैप्टर 4 में, कायदे में देखा जाए चैप्टर 4 में सब कुछ आ रहा है, केवल कंप्लीट स्क्वायर मेथड हट गया, CSM हट गया, मतलब कहने का मतलब 4.3 का पहला क्वेश्चन हट गया, बाकी सब कुछ आ रहा है, क्लियर है। चैप्टर 5 AP में मैं तो बोलूँगा सब कुछ पढ़ो, वैसे बोलो कहते हैं कि सम वाले क्वेश्चन हट गए हैं, जैसे SN वाले क्वेश्चन हट गए, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, पढ़ो क्योंकि वो डाउट में थोड़ा सा, और जहाँ डाउट हो तो उसको पढ़ लो, मैं कहता हूँ
ठीक है, अदरवाइज बहुत डीप में जाना चाहते हो तो एंड के जो क्वेश्चन है 16 से लेके 20 तक वो बताते हैं कि नहीं आएंगे 5.3 के, बट मैं इसमें लिखूंगा नहीं यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पढ़ो, ठीक है। तो चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ आ रहा, नो डिलीटेड, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है हमारे पास ट्राइंगल। तो ऐसा बोला गया कि चैप्टर 6 में सब कुछ आ रहा है, एक्सरसाइज 6.4 पूरी हटा दी है, केवल एक्सरसाइज 6.4 हटा दी है, बाकी सब कुछ है। और 6.4 हटाई है इसका मतलब क्या, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी नहीं आ रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब आता है 7 चैप्टर, इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपकी पूरी 7.3 एक्सरसाइज हटा दी गई है, एक्सरसाइज 7.3 जिसमें क्या था, एरिया निकालते थे ट्राइंगल का, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 8 में, ट्रिगोनोमेट्री में। वैसे लोग कहते हैं कि इन्होंने एक्सरसाइज 8.3 हटा दी है, ये कहते हैं, मैं देख लूँ कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए आपके पास ना, मैंने लिख लिया था काफ़ी एक साल पहले का ही है ये। वैसे फिलहाल तो यही कि 8.3 का ही है, मुझे यहाँ तक याद है, हाँ 8.3 है जो कि बताते ही हटा दी गई है, ठीक है। बट कर मैं तो कराऊंगा सर जी, अभी बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। चैप्टर 9 पूरा सब कुछ आएगा, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, नो डिलीटेड। चैप्टर 10 पूरा आएगा, नो डिलीटेड, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर 11 देखो, कंस्ट्रक्शन की बात आती है, कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो इसमें क्या है ना आपका कि सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एक ट्रायंगल दिया है उसके बेस पे दूसरा ट्रायंगल बनाओ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे, क्लियर है। ट्रायंगल वाले नहीं बनाने आपको, केवल बाकी सब ना ट्रायंगल वाले आपको नहीं बनाने, ठीक ठीक है। अगर और डीप में जाना चाहते हैं एनसीईआरटी में उसको लिखा, कंस्ट्रक्शन 11.2 नहीं बनाना है, बस इतना और लिख लो, कंस्ट्रक्शन 11.2 का मतलब ट्रायंगल वाले ही है, ठीक है। चलिए चैप्टर 12 में, चैप्टर 12 में वैसे कुछ डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ आएगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं कह रहा हूँ सब कुछ पढ़ना आप इसमें, ठीक है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सब कुछ आएगा, केवल फ्रस्टम हट गया है, मतलब 13.4 पूरी हटा दी गई है, 13.4 पूरी हटा दी गई, बाकी सब कुछ आएगा। 14 हमारा स्टैटिस्टिक्स बचा, इसमें क्या है 14.4 नहीं आएगी, मतलब इसमें मीडियन फाइंड करना था हम लोगों को ओजी के द्वारा, वो पढ़ेंगे आगे ना, अभी आपको नहीं पता ना क्या, तो ये लिख लो एक्सरसाइज 14.4 नहीं आएगी, जिसमें वो मीडियन फाइंड करते थे यूजिंग ग्राफ, उस ग्राफ का स्पेशल नाम था ओजी बोलते हैं उसे, ओजी, ठीक है। और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, भाई सब कुछ आएगा, नो डिलीटेड। तो ये 30% है सिलेबस में जो डिलीट हुआ है। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि टर्म 1 में चैप्टर फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब इसको छोड़ के सब कुछ, ठीक है, तो ये डिलीटेड पोर्शंस हैं जो 30% डिलीट हुआ है चैप्टर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर बहुत से बच्चे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, सुल्तान चंद जो भी पढ़ रहे हैं, तो बस ये जैसे इसका नाम क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहां से नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। अब मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसी भी बुक का मत पढ़ना, लेकिन आपको पता है ये इसीलिए तो डिलीट किया है क्योंकि कोरोना है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, बच्चों को सिलेबस का बर्डन होगा, इसलिए डिलीट कर दिया गया। लेकिन आने वाले टाइम पे जब कोरोना हट जाएगा तो ये सिलेबस दोबारा से रिडीम हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन जो बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ते हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबको पढ़ना आप, ठीक है, पढ़ लो सब कुछ, एग्जाम टाइम केवल इनको छोड़ देना, बट नॉलेज के लिए आपको सब चीज़ आनी चाहिए क्योंकि इनका यूज़ होगा 11 12th में, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग मैंने बता दिए, क्या चमका, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो, फिर मैं टर्म 1 टर्म 2 का बताता हूँ अलग से। चलिए भैया अब टर्म 1 की बात करते हैं। जैसा सबको पता है कि MCQs टाइप होगा, 40 नंबर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, और जो टाइम बताया जाएगा वो आपको 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 40 ही क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे ही मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो समझ लो कि एक चीज़ जरूर होगी, उस दिन तो आँखों की एक्सरसाइज सबसे अच्छी होगी, क्या समझ रहे बात आपको, और काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स भी लगेंगे उस दिन, नहीं आ रही बात समझ रही, पूरी आँखें से वर्क करेंगे कि आदमी होता नहीं कि बहुत सिंपल सिंपल वे, जैसे किसी को सेकंड क्वेश्चन पूछा वो अपने डेस्क पे मार देगा सेकंड, अब आपके दोस्त को आता तो वो कर देगा, मतलब पहला दूसरे का, देर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स, तो देखते हैं आप लोग कितना अच्छा कर पाते हैं इसमें। इसका पार्ट्स ऑफ जो ऐसा कुछ मत करना, ऐसा हम कहेंगे लेकिन आप करोगे। तो ये 40 नंबर का होगा और आँखों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। चलिए 90 मिनट्स मिलेंगे आपको लगभग हर क्वेश्चन के लिए, दो
मिनट 15 सेकंड आपको मिलेगी, उतने में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आता तो होगा नहीं, दूसरे से वो सब करना है। अब क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, मैं इधर बताऊंगा आपको ये चैप्टर्स और उधर उनका वेटेज कितना है, ठीक है मार्क्स। चलिए तो चैप्टर फर्स्ट आ रहा है एक तो इसमें, और चैप्टर टू आ रहा है, चैप्टर थ्री आ रहा है, चैप्टर सेवन आ रहा है और चैप्टर सिक्स आ रहा है, एट ट्वेल्व और फिफ्टीन, इतने चैप्टर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आ रहे हैं, 7 टर्म टू में आए, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका ये, और ये लगभग ऐसा माना गया नवंबर के आसपास ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इनका वेटेज बता दें, फर्स्ट चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का आएगा, टू और थ्री दोनों मिला के हमारे 10 नंबर के। अब ये नहीं पता कि ऐसा मत सोचना पाँच पाँच, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है ये 7 का हो ये 2 का, लेकिन ये ज़्यादा ही होगा, लगभग ये 70% होगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सेवन चैप्टर 6 मार्क्स का आ रहा है, 6 चैप्टर 6 मार्क्स का आ रहा है, 8 चैप्टर 5 मार्क्स का आ रहा है, 12 4 मार्क्स का और 15 3 मार्क्स। इनका सम करना क्या भैया 40 हुआ कि नहीं हुआ, देखो सम करो जल्दी से, हो गया तो ये 40 नंबर के हैं, और 10 नंबर का आपका इंटरनल होता है, क्या होता है इंटरनल, जो आपके स्कूल से आपको जाते हैं, मतलब टर्म वन आपका 50 मार्क्स का ये हो गया, क्या कोई दिक्कत। टर्म वन 10 नंबर वही है कि भैया थोड़ा डिसिप्लिन, और आपने कॉपी वगैरह कैसे बनाई है, एग्ज़ाम में कैसा करते हो, टीचर से कैसे बना के रखते हो, ठीक है, रेस्पेक्ट तो टीचर का करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो नंबर दे रहे हैं, टीचर का आपको वैसे ही, जैसे आपको पता लगा भाई 10 नंबर है तुम्हें टांगों में घुस गए जा रहे गुरु जी तुम ही हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, नॉर्मली रेस्पेक्ट करो, ठीक है। चलिए तो ये 10 नंबर का 50, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अच्छा अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर MCQs की हमने तो कोई स्पेशल तैयारी करी नहीं है, और सर NCERT में ऑब्जेक्टिव है भी नहीं अभी तक, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे NCERT से ही बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी तक क्वेश्चन ऐसे आते थे कि भैया फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स फाइंड करने हैं आपको, अभी तक ये क्वेश्चन एक नंबर में आता था मान लो, अब क्या होंगे, बोले जाएंगे कि ये इक्वेशन दी होगी, चार ऑप्शन दिए गए होंगे, बताओ इसमें कौन सा रूट सही है इसका, एक दे दिया जाएगा 2.4 - 2.-3 पर, अब आपको टिक करना है। कहने का मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्टिव बना दिए गए हैं क्वेश्चंस को, क्लियर है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी अभी वो रिटर्न में होती थी, अब उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो सुनो, तभी तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट 15 सेकंड मिल रहे हैं आपको, इसका मतलब उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो होगी, और ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको 5 मिनट तक खर्च हो, और कुछ ऐसा होगा देखते ही, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड द डिग्री ऑफ जीरो, जीरो की डिग्री क्या होती बताओ, तो क्या होती नॉट डिफाइंड, तो केवल पढ़ना है और टिक करना है, तो एवरेज ये है कि आपको इतना मिनट मिलेगा, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, तो कोई स्पेशल बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। NCERT अगर ख़त्म हो जाए आपकी तो एग्जाम्पलर जरूर कर लेना, एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव भी, उससे बाहर पेपर कभी नहीं गया है। NCERT और CBSE की जो वेबसाइट है वहाँ पे दो ही बुक प्रेफर करते हैं, सबसे पहले NCERT, फिर उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर, इनसे पेपर कभी बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टर्म वन हो गया, और तो इसमें यार कुछ ऐसा मुझे बताना नहीं है, बस एक चीज़ ये ध्यान रख लो, जैसे फिर से सुनने मारा भैया तीसरी लहर आ रही ये सब आ रहा है, तो टर्म वन को सबसे ज़्यादा सीरियस लेना, क्यों, क्योंकि अगर टर्म वन हुआ आपका, क्या पता टर्म टू नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोरोना कुछ आ गया, तो टर्म टू में जो आपके मार्क्स जाएंगे वो टर्म वन के अकॉर्डिंग ही जाएंगे आपके, क्यों टर्म टू तो होगा नहीं, तो टर्म वन के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जाएंगे, तो इसको जितना हो सके सीरियस लेना, कोई दिमाग में ये टेंशन नहीं कि सर ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से करें, नॉर्मली जो सिलेबस में है इन्हीं के ही क्वेश्चंस करिए, इन्हीं के ही ऑब्जेक्टिव बना दिए जाते हैं बस, बट ऑब्जेक्टिव का एक बेनिफिट है कि ऑब्जेक्टिव में डीप में नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं, अब मैं टर्म टू का आपको बता के ख़त्म करता हूँ, फटाफट पैराटा। चलिए टर्म टू की बात करते हैं, इसमें ही भैया 40 नंबर ही होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें आपको, 2 आवर्स, ठीक है, और रिटन होगा मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना पड़ेगा आपको जैसे अभी तो नॉर्मल हम लोग करते आए हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं उसको देखते हैं, 4 चैप्टर आ रहा है इसमें, जो बच्चे वो सब इसी में आएंगे, 5 10 11 9 13 और
14, तो 4 और 5 दोनों मिला के 10 मार्क्स के, यहीं लिख देता हूँ मैं, 10 और 11 मिला के 9 मार्क्स के आएंगे, ये 9 अकेला 7 का आएगा, और 13 हमारा 6 मार्क्स का आएगा, और 14 हमारा 8 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? देखना भैया, ऐड करो 10 19 26, सही है 40 नंबर हो गए हमारा ये पूरा। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं और सब तो ठीक है भैया। अगर देखो, अगर टर्म ये जान लो थोड़ा सा कंसेप्ट, अगर टर्म वन नहीं हो पाया, टर्म टू हो गया, तो टर्म टू के अकॉर्डिंग ही टर्म वन कंसीडर किया जाएगा। अगर टर्म वन हो गया तो टर्म टू नहीं होगा, तो भी इसी के हिसाब से कंसीडर किया है। अगर दोनों ही होगा तो फिर उन्हीं के साथ जो मार्क्स आएंगे आपको, क्लियर है, जो मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। हाँ, अगर दोनों ही नहीं हुए, वाओ क्या बात है, कितने लोग चाहते, मैं चाह, सभी लोग यही चाह रहे होंगे, क्योंकि इंडियन फ्री खाने की आदत है ना, तो ये बड़ी दिक्कत है। ऐसा कोशिश मत करो कि आपका ही लॉस होगा। इस बार देखा बच्चों के जो नंबर्स हैं, कितने दुखी हो रहे हैं सब, हैं तो ऐसा नहीं होगा। और हम लोग चाहते हैं इतनी पढ़ाई के लिए नहीं, कोरोना ना आए यार, बहुत देश हमारा पीछे चला गया, बहुत इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ से बहुत देश हमारा पीछे चला गया। तो हम लोग कोशिश, हम लोग कहने से नहीं होगा, ट्राई करेंगे कि थोड़ा बचाव रखें, जैसे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें। ठीक है, चलो अच्छा, क्लियर है, कोई दिक्कत? और तो इसमें कुछ स्पेशल ज्ञान तो आपको देना नहीं, आपका बहुत तेरा ज्ञान है। अब बुक्स वगैरह कोई टेंशन नहीं लो, एग्जाम्पल दबा के करो और ये सब चीज़ें करो आप। नॉर्मल कोई मतलब हेडक नहीं लेनी है। अरे हम नहीं आ रहे तो क्या हुआ, हेडक नहीं लेनी कि यार ये टर्म वन टर्म टू की आपके लिए बेनिफिट हो गया। पता है क्यों यार, अगर टर्म टू की तैयारी कर रहे हैं तो टर्म वन को भूल जाओ, पहले आपको याद रखना पड़ता था, अब भूलने में तो आप लोग हैं माहिर। तो जैसे ही टर्म वन खत्म होगा तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे उतने चैप्टर ही हटा दें बुक से, पतली बुक हो जाएगी, उन्हें अच्छा ही लगे भाई बुक कितनी पतली हो गई है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो अगले साल 50% पे अपने जूनियर को बेचनी भी है ना, तो हाँ फिर मुझे पता है ना ये सब करते हो। तो ये सब चीज़ें टर्म वन को कोई स्पेशल बात बतानी नहीं, आप लोग पढ़े लिखे आदमी, ये सिलेबस है इस बार का, देख लो करो, एंजॉय। ठीक है,